हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज के दिन में आपने मार्केट देखी होगी तो आपको यहाँ पर पता होगा कि मार्केट किस तरीके से अच्छे खासे तरीके से चल रही थी। डाउन थी बट उतनी डाउन नहीं थी, यहाँ पर लग रहा था कि उसी के आसपास यहाँ पर आज के दिन में रहने वाली है, 20-30 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट रहने वाली है। बट क्या हुआ कि 1:30 बजे एक न्यूज आती हुई दिखाई दी, उस न्यूज ने इस पर्टिकुलर इंडेक्सेस को सारे के सारे जितने भी इंडेक्स है यहाँ पर नीचे लाते हुए दिखाई दिया। तो ये किस वजह से हुआ, क्या रीजन है और क्या उस रीजन की वजह से हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, क्या मार्केट और नीचे जाने वाली है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सारे सवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे और किन स्टॉक्स को फायदा होगा वो भी मैं आपको बताते हुए नजर आऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वीडियोज नहीं पहुंच पाती और क्योंकि उनका नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, ऑल पर नहीं है, और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते सब्सक्राइब नहीं करते। रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो टारगेट है कि इस महीने के एंड तक या फिर अगले महीने तक 10,000 का हमारा जो सब्सक्राइबर बेस है वो एटलीस्ट यहाँ पर पूरा हो जाए। दो वीडियोस कल की डेट में आई थी और कल हमने यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से निफ्टी फार्मा चलता हुआ दिखाई देगा, तो निफ्टी फार्मा किस तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दिया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने मॉर्निंग में फार्मा देखा होगा तो मैं बार बार फार्मा के पीछे पड़ा हूँ, तो क्यों पड़ा हुआ हूँ, देखिए जो हमारे हमने जो लाइन खींच रखी थी ना उसी लाइन के पास आके चीजें यहाँ पर क्या आई है, नीचे गिरती हुई दिखाई दी है। तो ये चीजें कैसे निकालते हैं, कैसे हमने ये पहले ही डिसाइड कर रखा था और कैसे ये लाइन पहले ही खींची हुई थी और आगे की लाइन भी हम कैसे खींच सकते हैं, ये सब चीज जानने के लिए हमने एक मुहिम शुरू करी है कि बहुत कम चार्जेस में बहुत कम चार्जेस में बेसिक टू एडवांस टेक्निकल, जहाँ पर ये सब चीजें सिखाई जाएगी। आपको रिसर्च करना है क्योंकि टेक्निकल किस पे करेंगे, बिना शेयर के हम टेक्निकल तो नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकल की कैसे मैंने यहाँ पर सनलॉक ढूंढा था, सनलॉक पे हम यहाँ पर देखे तो 600% के रिटर्न यहाँ पर हम 350% के रिटर्न मिले थे। हमने यहाँ पर इंद्रानी बायोटेक ढूंढा था 600% के यहाँ मिले थे, एम क्लाउड ढूंढा था यहाँ पर 1100% के रिटर्न मिले थे, वो भी 3-3 महीने में, थोड़े थोड़े टाइम में, ऐसे नहीं कि साल भर हमें वेट करना पड़ा। तो ये ऐसे शेयर कैसे ढूंढने हैं वो, तो ये सारे की सारी एसेट एलोकेशन, मनी मैनेजमेंट की आप अगर किस भी रेंज में आते हो, 15,000 कमाते हो या 50,000 या 1,00,000 रुपए, हर एक का एक माइंड सेट होता है और इस माइंड सेट में कैसे यहाँ पर पैसे अपनी एसेट पे यहाँ पर वर्क किया जा सकता है वो यहाँ पर सिखाने वाले हैं, जहाँ पर कंप्लीट कोर्स किया जाएगा, प्लस 3 मंथ्स तक जो भी इशू होगा आपको वो सॉल्व किया जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी में जो मैं यूज करता हूँ और पैसा बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, ऑनलाइन नोट्स यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो सब कुछ अच्छा है, जाके ज्वाइन करिए, ये पर्टिकुलर नंबर है, कांटेक्ट करिए, डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, डीमेट अकाउंट का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 15 स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी जैसे ही आप यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में आज गिरावट होती हुई दिखाई दी, लग रहा था गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन नहीं हुआ आज के दिन में। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से डो जोन्स ने, नैसडेक ने सारे के सारे सपोर्ट तोड़ दिए थे, उस हिसाब से लग रहा था कि यहाँ पर जो मार्केट है बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जो हमारा निफ्टी 50 है तो एटलीस्ट कहाँ पर ओपन होता हुआ दिखाई देगा, हमें यहाँ पर हमारे सपोर्ट पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखाई दिया, हमारे सपोर्ट पे ये चीजें आई नहीं और मार्केट अच्छी खासी चली रही थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि यहाँ पर एक न्यूज आई मार्केट और थोड़ा नीचे आ गई। बस ये होता हुआ दिखाई दिया और अब मार्केट में क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर आज ब्रेंट जो ऑयल है लगभग 4% अभी तक ऊपर है। इसके अलावा हम यहाँ पर WTI देखेंगे क्रूड ऑयल, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये भी 4-5% ऊपर है। तो इसके ऊपर जाने का मतलब क्या है, मतलब ये, और कुछ दिन पहले मैंने वीडियो ही बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा क्रूड ऑयल है यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और शायद थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाता हुआ फाइनली दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर जाने का मतलब है कि हमारी जो मार्केट है, वर्ल्ड की जो मार्केट है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे आ सकती है और वो नीचे आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस होगा। बट कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिनको इस चीज का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम न्यूज पे आते हैं। तो न्यूज पे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए ऑयल प्राइस रैली इनटू अक्टूबर एज ओपेक प्लस प्लान अ प्रोडक्शन कट। तो यहाँ पर हम बात करें, आज यहाँ पर ऑयल प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए,
यहाँ पर आप दूसरे स्टॉक्स देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्रूड बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आप अलग अलग स्टॉक्स देखेंगे 4% 5% भागते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस प्लांस है, ओके अब प्रोडक्शन कट, तो उन्होंने प्रोडक्शन कट का यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर प्रोडक्शन कट के बारे में यहाँ पर सोचा है। देखिए रशिया में ऑलरेडी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सेंशन पे सेंशन लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सेंशन लगने की वजह से क्या होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जो जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है। जब इंडिया जैसे कंट्री, तो चलो यहाँ पर हम अब एक अब मतलब रिच होते हुए दिखाई दे रहे हैं हम इंडियंस, तो इस वजह से या फिर क्या हम पावरफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अमेरिका वगैरह का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा। बट स्टिल यहाँ पर हम बात करें दूसरी कंट्रीज, वो यहाँ पर ऑयल लेने से बचते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था खराब होती हुई दिखाई देती है। तो और बिना ऑयल के ओके यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान जाता है ओके वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, वो किसके थ्रू जाता है, कार्गो के थ्रू जाता है ओके, और वो कार्गो किससे चलते हैं, वो मोस्टली यहाँ पर ऑयल के थ्रू ही चलते हुए दिखाई देते हैं, सारी गाड़ियां ऑयल के चलती हुई दिखाई देती है। और ऑयल के प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन भी साथ साथ यहाँ पर महंगा होता जाएगा यहाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर जो उनकी लागत है वो महंगी हो रही है, जब लागत महंगा हो रही है तो यहाँ पर जो बात है सारी की सारी आपकी सब्जियां या आपके जो भी चीजें हैं जो डेली यूज में आप यूज करते हैं वो सब की सब महंगी होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए फॉलोइंग सेवरल वीक्स ऑफ डिक्लाइन ऑयल प्राइस, और जितने क्लाइम ऑन मंडे, मतलब मंडे को आज यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेक्टेशंस ऑफ ओपेक प्लस प्रोडक्शन कट, तो यहाँ पर ओपेक प्लस है जो ओके सऊदी अरब एंड ऑल, यहाँ पर ये प्रोडक्शन कट के बारे में सोचे हैं। रशिया ने ऑलरेडी, यहाँ पर हम बात करें रिपोर्ट सजेस्ट दैट रशिया इज ईगर टू कट प्रोडक्शन कट, जो रशिया है, रशिया पूरे वर्ल्ड का 10% ऑयल यहाँ पर पूरी का यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, तो वो अगर 10% उसने ऑलरेडी 1 मिलियन बीपीडी के हिसाब से यहाँ पर ऑलरेडी कट कर दिया है, विद एनालिसिस ऑफ फ्रॉम एएनसी सेइंग एनीथिंग लेस देन 5 लाख बीपीडी विल बी स्ट्रगल्ड स्ट्रगल ऑफ बाई मार्केट, तो यहाँ पर अगर 5 लाख के नीचे जाता है ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हुई दिखाई देगी। और चाइना का जिस तरीके से अब यहाँ पर ओपन अप होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज का भी इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपेक डज कट प्रोडक्शन सस्टेनेबली, देयर इज अ रिस्क दैट ऑयल प्राइस वुड स्पाइक एंड एड टू द ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जैसे ही ये अगर कट की प्रॉब्लम आई ओके, यहाँ पर कमी आ गई ऑयल की पूरे वर्ल्ड वाइड, तो ऑब्वियसली बात है अमेरिका ने तो रिजर्व रख रखे है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है हमारी जैसी कंट्रीज है उन्हें यहाँ पर ऑयल की बहुत जरूरत होती है, और इसकी वजह से क्या होगा ऑयल प्राइस यहाँ पर स्पाइक होंगे, और जो मैं बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन फिर दोबारा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सारी की सारी न्यूज यहीं पर ही है, एनीथिंग लेस देन 5,000 बैरल अ डे वुड बी स्ट्रगल ऑफ बाई मार्केट, देयर फोर वी सी अ सिग्निफिकेंट चांस ऑफ अ कट एज लार्ज ऑफ 1 मिलियन बैरल अ डे, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर डे की, एक एक डे में लगभग 10 लाख यहाँ पर बैरल यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इंडीड द रिपोर्ट की डिसीजन ऑफ ओपेक प्लस लास्ट मंथ टू रिड्यूस प्रोडक्शन बाय द, यहाँ पर देखिए 1 लाख बीपीडी के हिसाब से ये कम करने जा रहे हैं इन अक्टूबर, और अ मूव दैट फेल टू हैव एनी इफेक्ट ऑन मार्केट्स नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द कार्टल्स कंटिन्यूड, तो यहाँ पर एक कार्टल बनी हुई है जितनी भी ये सारी की सारी कंट्री है, रशिया है, रशिया भी सऊदी को यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस चीज का यहाँ पर पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑयल का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऑयल दोबारा यहाँ पर फिर पीक पे पहुंच सकता है, पीक पे पहुंचा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी। बट इसके अगेंस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स है जिसे यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, तो देखिए मार्केट क्यों गिरी, मार्केट इसलिए ही गिरती हुई दिखाई दी क्योंकि यहाँ पर ये न्यूज 130 पे आती हुई दिखाई दी, और ऐसी ये न्यूज आती हुई दिखाई दी आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यूअसली इस तरीके से यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी। अब क्या, अब यहाँ पर देखेंगे हम डो जोन्स की, डो जोन्स यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। डो जोन्स की अगर हम बात करें ऑलरेडी सारे के सारे सपोर्ट यहाँ पर तोड़ चुका है, यहाँ पर आप देखिए सारे के सारे सपोर्ट तोड़ चुका है और अच्छी खासी गिरावट है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर 28,388 के आसपास दिखाई देता है, नैसडेक भी गिर चुका है। और हम यहाँ पर बात करें डो जोन्स फ्यूचर्स की, तो डो जोन्स फ्यूचर यहाँ पर कहाँ क्लोज हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है ओके, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल इसके ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, बट हम यहाँ पर फिर भी डो जोन्स पे यहाँ पर नजरें बना के रखेंगे।
और इसकी वजह से अगर ये ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं BPCL, ओके, भारत पेट्रोलियम, यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन में ऊपर था। इसके अलावा IOCL, ओके, यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को यहाँ पर देखिए, इंडियन ऑयल, ओके, यहाँ पर देखिए ये शेयर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता, फिर थोड़ा गिरा था। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें चेन्नई पेट्रो, ओके, चेन्नई पेट्रो यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बट यहाँ पर 4% ऊपर था। और सब यहाँ पर देखिए कैसे हमने लाइन खींच रखी थी और यहीं पर ही टच करके चुपचाप चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी, एज वेल एज MRPL, ओके, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है। देखिए ये भी शेयर लगभग 5 से 7% ऊपर था, सीधे यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सीखनी है कि किस तरीके से टेक्निकल काम करते हैं, तो हमारी कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इन स्टॉक्स की तरफ आप नजरें बना के रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऑयल प्राइस ऊपर गया ये शेयर भी यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, और ये कुछ ऑयल के स्टॉक्स हैं, इनकी तरफ आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बट हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा क्या है कि अगर मार्केट का डोजोंस गिरते हैं और कल की डेट में मार्केट जग गिरती है तो यहाँ पर सपोर्ट है, ओके, ये बेहतरीन सपोर्ट है 16,768 का, और रेजिस्टेंस ये है 17,187। यहाँ पर एक आइलैंड टाइप में बन रहा है, ओके, जैसे ही इस पर्टिकुलर रेंज को निकालेगा, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को निकालेगा, तो मार्केट में फिर तेजी होगी, बट उससे पहले यहाँ पर मार्केट में तेजी के बारे में मत सोचिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।